तथैकोन विंशतिर मुखान यस्येति एकोन विंशति मुखः, 19 मुख है जिसका। कौन कौन है 19 मुख? वो बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दशा वायवस्य प्राणादय पंच मनोबुद्धि अहंकार चित्तमिति मुखानि इव मुखानि तानि उपलब्धि द्वारा नित्यर्थः। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच वायु, ये 15 हो गया। मन बुद्धि अहंकार और चित्त 4, 19 हो गया। ये द्वार के समान द्वार है, मुख के समान मुख है। किसके द्वार है ये? उपलब्धि सुख दुख कार्य मित्र साक्षात्कार रूपा भोगादि उपलब्धि के लिए, अथवा शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि ज्ञान की उपलब्धि के लिए, अथवा कर्मों का उपलब्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक जीवन उपलब्धि के लिए पंचवायु, पंच ज्ञानेन्द्रिया, बुद्धिअर्थानि इंद्रियाणि थी बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि मन वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान के लिए जो इंद्रियां हैं उनको बुद्धि इंद्रियाणि कहा जाता है। नहीं तो आगे बुद्धि शब्द आ रहा है, दोनों का एक अर्थ नहीं है। हाँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम, वो तो अंतकरण से मतलब है, वहां बुद्धि मन बुद्धि, और बुद्धि इंद्रियाणि में बुद्धि का मतलब वृत्ति ज्ञान। बुद्धिअर्थानि इंद्रियाणि थी बुद्धि इंद्रियाणि अर्थ शब्द का लोप। कौन है वो? श्रोत्र इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, जो रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। कर्मार्थान इंद्रियाणि तो कर्म इंद्रियाणि, कर्म के लिए ही जो इंद्रियां हैं, कौन है वो? वाक, पाणी, पाद, पायो, उपस्थ। दो प्रकार की इंद्रियां कुल 10 हो गए, और प्राणादि 5 हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उपलब्धि बुद्धम कर्मोपलक्षणार्थ, उपलब्धि द्वारा ने कैसे कर दिया कर्मेंद्र से? तो ज्ञान तो उपलब्ध नहीं होता ना, इसे कहते हैं उपलब्धि शब्द कर्म को उपलक्षण के लिए। अंतकरण और वायु पंच ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है, इन कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं, वहां तो ज्ञान तो है नहीं। द्वारत्वम करणत्वम इत्यर्थः। तत्र बुद्धिन्द्रियाणां मनसो बुद्धेश्च प्रसिद्धम उपलब्धो करणत्वम, ये सारी चीज प्रसिद्धि है ही है, उपलब्धि में इनकी करणत्व है। कर्मेन्द्रियाणां तो वदनादि कर्मणि कर्मत्वम करणत्वम, कर्मेन्द्रियों का तो वदनादि क्रियाओं में जो है करणत्व सिद्ध ही है, वदनादि कर्म करने में करणत्व से जानते ही हैं। और प्राणादियों का पुनर्भयत्र पारंपरिक करणत्व, दोनों के में सहयोगी होकर के परंपरा करणत्व आ गया प्राणी में, प्राणों में भी। केशु सत्सु एवं ज्ञान कर्मणों उत्पत्ति है, क्योंकि उनके होने पर ही ज्ञान कर्म की उत्पत्ति होती, नहीं तो नहीं होती है। अनंतगिरी बोल रहा हूँ, असत सुचन उत्पत्ति हृदय प्राणादि न हो फिर न ज्ञान होगा न कर्म होगा। मनोबुद्धि सर्वत्र साधारण करणत्व, अहंकार से प्राणादि देव करणत्व मंतव्यम। मन और बुद्धि सर्वसाधारण करण होते हैं, लेकिन अहंकार जो है प्राणादि के साथ परंपरा करण है। चित्त से चैतन्य आभास होते हैं करणत्व मुक्तम, और चित्त को इन वृत्तियों में चैतन्य का आभास को उदय होने के प्रति करणत्व को लेकर के चित्त को भी हमने अंतकरण नाम से ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे विवेचन करके समझनी चाहिए। स्मरणात्मक चैतन्य आभास होते इत्यादि हम संस्कार निवृत्त चिदाभास से स्मरणत्वात्। टिप्पण नंबर 4, पूर्वोक्तेर विशेषण विशिष्ट से वैश्वान रस्य स्थूल भुग इति विशेषणांतरम। उक्त विशेषणों के द्वारा विशिष्ट जो वैश्वान है उसी का नाम है स्थूल भुग। नाम भी और विशेषण बनेगा, इसको समझा रहे भाषिका। स एवं विशिष्ट वैश्वानरो यथोक्तेर द्वारा ही शब्दादि स्थूलान विषयान भुंग देति स्थूल भुग। उनके इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट जो वैश्वानर है, और पूर्वोक्त 19 द्वार के समान द्वार के द्वारा और सप्त अंगों के माध्यम से शब्दादि स्थूल विषयों को भोग करता है, इसे इस वैश्वान के एक और नाम है स्थूल भुग। शब्दादि विषय में स्थूलत्व क्या है?
क्योंकि दिगादि देवताओं से अनुग्रहित होकर के श्रोत्रांति और गृहमाणत्व स्थूलत्व है। शब्द तो स्थूल नहीं दिखता है ना, घटपटादि के समान पकड़ में आएगा हाथ में, फिर उसमें कैसे स्थूलता घटा रहे, रस भी नहीं पता चलता है ना। चावल वगैरह आप खाते उसका रस तो पकड़ भी नहीं आती, तो रूप भी क्या स्थूल होगा, घट स्थूल है, घट का रूप थोड़े स्थूल है। तो इसलिए विचार हो रहा है शब्द रूप स्पर्श रस गंध इनमें स्थूलत्व क्या हो सकता है, ये तो मोटे नहीं होते दुबले नहीं होते, तो कैसे आपने स्थूलत्व कर दिया इनमें। तब कह रहे हैं देवताओं से अनुग्रहित होकर के इंद्रियों के गृह माणत्व का नाम ही स्थूलत्व है। अंतिम पंक्ति आने रही शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्व, शब्दादि विषय की स्थूलत्व क्या है 17 पृष्ठ में, दिगादि देवता अनुग्रहित ही श्रोत्रादि भी गृहमाणत्वम एक है। दिगादि देवताओं से अनुग्रहित होकर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा गृहमाणत्व ही शब्दादि विषयों के अंदर स्थूलत्व समझना चाहिए। अर्थात शब्दादि विषयों में हमेशा स्थूलत्व गौण है समझो, और शब्दादियों का आधारभूत जो द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनमें जो स्थूलत्व होगा वो मुख्य स्थूलत्व है। विश्वानर शब्द का दो व्युत्पत्ति करके बता रहे भाष्यकार, विश्वेशां नराणाम अनेकदा नयनाद वैश्वानर, विश्वेशां माने सर्वेशां नराणाम सब नरों को अनेक प्रकार से नयनाद नरह, अनेक प्रकार से नयन करने से उसका नाम नर हो गया। री नए धातु ही है, री नए धातु है, इसको लेकर कह दिया नयनाद वैश्वानर। यद्वा अथ दूसरी उत्पत्ति ऐसा भी हो सकती है, विश्वश्च असौ नरस्तिति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्वानर। निपातन से इन सब जगहों में पूर्व पद को दीर्घ होता है। आनंद गिरिकार भी धीरे धीरे व्युत्पत्ति करमणी षष्ठी लेकर के पहला वाला है वैश्वानर शब्द में विश्वेशाम नराणाम, यहां जो षष्ठी है वो करमणी में विश्वं का अर्थ नहीं होगा, विश्वं को सकल नरों को कर्मणी का होता ना, काके की जो नहीं बनेगा यहाँ षष्ठी का अर्थ कर्मणी में षष्ठी हुई है, कर्तृकर्मणो कृति कृदन का योग में कर्ता और कर्म शब्द को षष्ठी हो जाता है, उसके आधार ने षष्ठी कर दिया है। ये आनगिरी पहला पंक्ति अंतिम शब्द देखो कर्मणि षष्ठी ये समझा दिया, और दूसरे उत्पत्ति क्या है विश्वे चते नराश्चित विश्वानरा निपातनाथ पूर्व पद को दीर्घ है, विश्वात विश्वान नरान भोक्तृत्व व्यवस्थितान प्रति अनेकदा धर्म धर्म कर्मानुसारेण सुख दुख आदि प्रापणाद अयम कर्मफलदाता वैश्वानर शब्द तो भवति इत्यर्थः। एक ऐसा हो गया कि विश्वान नरान समस्त जीवों को भोक्तृत्व व्यवस्थित जो अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व को मान रहे ऐसे जीवों को लेना, उनको अनेक प्रकार से धर्म धर्म आदि कर्मों के अनुसार सुख दुख कार्य को प्राप्त कराने वाला होने से इसका नाम वैश्वानर शब्द पड़ गया। कर्मों के फल का दाता है ये, इसे इसका नाम वैश्वानर है। अतः विश्वश्चस नरश्चित विश्वानर सैव वैश्वानर स्वार्थित राक्षस वायस वद इत्याह, रक्ष एव राक्षस वयस एव आयस जैसे बनाते हो वैसे स्वार्थ में कर देना, इसलिए इस संपूर्ण विश्व का वो नर नयन करने वाला है अर्थात ईश्वर है, साधारण नहीं है वो। तब प्रश्न उठता है आपने विश्वश्च असौ नरश्च व्युत्पत्ति कैसे कर दिया कर्मधारय समास, पहला ठीक है विश्वान नरान प्रति अनेकदा कर्मफल नयनाद वैश्वान, लेकिन दूसरे विश्वश्च असौ नरश्च कैसे कर दिया एक वचन, नर तो बहुत है ना। तब आनगिरी ने कहा विश्वे चत्ते नराश्च विग्रह वाक्य कर दिया। आनगिरी दूसरी पंक्ति में क्या देखो विश्वे चत्ते
नराश्च। लेकिन भाष्यकार ने क्या कर दिया, विश्वश्च असौ नरश्च एक वचन किए हैं। इस पर प्रश्न उठ रहा है, एक वचन कैसे होता है कि जागृत काल में नरों की संख्या अनेकत्वात तादात्म्य स्तर से करना उचित नहीं है। तो उसके जवाब में कहते हैं सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात् सप्रतिभापादः, सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात्, सकल पिंडात्मा मैंने समष्टि रूप जो विराट है वह एक है अनेक नहीं है। तेन आत्मना विश्वेशाम अनन्यत्वात्, इसलिए तत्व तत्स्वरूप के समष्टि रूप के माध्यम से वह सकल वेष्टियों का अभिमानी हो गया, सकल वेष्टियों के साथ तादात्म्य हो गया है। इसे कई बार आपको समझा चुका हूं, इस शरीर में करोड़ों कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कीटाणु हैं, उन सब के साथ तादात्म्य अभिमान करके हम अकेला है या नहीं? हर आदमी अपने शरीर में विद्यमान सकल कीटाणुओं का साथ तादात्म्य करता अभिमान कर रहा है, वह सब वेष्टि अंदर घूम रहे हैं, उन सकल वेष्टियों का अभिमानी आप समष्टि हैं। ऐसे ये भी सब वेष्टि हम लोग, फिर ये सारे वेष्टियों का एक दूसरा होगा समष्टि, ऐसे और कई वेष्टि होंगे उन सब वेष्टियों की और कोई समष्टि होगा, उन्हें तो अनंत है संसार का कोई ठिकाना नहीं। इसे कहते हैं ऐसा घटा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। भाष्यकार ने जवाब दिया सर्वपिंडात्मान्यत्पाद सब प्रथम पाद प्रथम पाद है, तेजस के दृष्टिकोण से प्रथम पाद है। विश्व तेजस प्राज्ञ है ना, तेजस और प्राज्ञों की अपेक्षा से वैश्वानर को हम लोग प्रथमत्व कह देते हैं। एतत् पूर्वगत्वात् उत्तरपादादिगमस्य प्राथम्यम् अस्य, क्योंकि इसके पूर्व की पूर्व ही आगे के पादों का ज्ञान होता है, बिना जागृत अवस्था का आप स्वप्रसुप्त शक्ति का अनुभव ही नहीं कर सकते। आप जागृत में हैं तभी तदनंतर कालीन आपको मालूम होता है ये चीज स्वप्न है ये चीज सुषुप्ति है, फिर लौटते हैं जागृत में। और जो इधर पैदा होने के बाद कभी जागृत में नहीं आता वो क्या कहेगा उसको, कि स्वप्न होता है क्या? न उसे सुषुप्ति का कथन हो सकता है। आप ही कहेंगे ये तो मुर्दा है, ये तो जागृत में आया ही नहीं, बल्कि देखने को ही मिलता है व्यवहार आजकल के डॉक्टरों में, तो बच्चा पैदा हुआ जागृत है, हाँ रोया नहीं, तो उसका पैर से पकड़ के उल्टा लटका करके पीठ पे पीटते रुलाते हैं उसको, रोना चाहिए, नहीं रोया तो फिर वो खतरा है। ऐसे बच्चा नहीं रोया और उन्होंने उसको उल्टा लटके कैसे पीट दिया, तो कोई रीढ़ की हड्डी की नाड़ी गड़बड़ा गया और बच्चे के दिमाग ही फैल हो गया, बच्चा भी जिंदा है, खतरा भी है इसमें। और रोने के और भी तरीके पता नहीं तरीका क्यों पीठ पे जो है पीटते हैं पे, मतलब है ना, जो दबाते जोर से तो अपने आप रोने लग जाए। अब वो क्या है लोगों को वगैरह डॉक्टरों की सिस्टम बना रखे हैं, उसको उल्टा पैर से उठा उल्टा लटका देंगे, बताओ बच्चा को अभी पैदा हुआ बच्चा को शीर्षासन कर दिया हवा में और पेट में पीट रहे हैं उसको रुलाने के लिए। बहुत गलत गलत भी है सिस्टम जो है ना अंग्रेजों की जो है एलोपैथी में, कई चीज़ें गलत है और उसके कई उनकी जिंदगी बर्बाद हो, वो बच्चे की जिंदगी बर्बाद है। एक और ऐसे ही उसको कर दिया, अब पता नहीं वो जो पीटने वाली औरत के हाथ में पता नहीं क्या था, वो चीज लगी होगी, वो तो चुप गया बच्चे को पीटने निचले भाग में, ऐसा चुप गया वो ही घाव बन गया, वो घाव बढ़ गया तो वही गुच्छा बन गया नाड़ी होंगी, देखा था ना वो अनिल का लड़का नहीं तो वर्मा के टेलर का बच्चा, और जिंदगी भर उसका बेकार हो गया। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलते हैं, यही दोनों का दोनों घटना रही। तो ये समष्टि आत्मना जो आप करते हैं कि अनुभव जो होता है वह तेजस का मैंने स्वप्न का या सुषुप्त को जागृत में उसमें प्राथम्यता है, उसकी अपेक्षा सर प्राथम्यम अस्यो किसके प्रति, एतत् पूर्वगत्वाद् उत्तरपादादिगमस्य, इससे पूर्व इसके इसके पूर्व में रहते हुए ही उत्तर पादों का ज्ञान होता है,
इसलिए इस पाद में इसको प्रथम पाद करके हम संज्ञा देते हैं। वह भी विलय करने की अपेक्षा से, क्योंकि आपको जागृत को किसमें विलय करना है, उत्पत्ति क्रम से नहीं। उत्पत्ति तो पहले अविद्या की, अविद्या वचन चेतन हुआ, फिर उसमें अपंचिक पंच महाभूत पैदा हुआ, उससे पंचकरण हुआ, सूक्ष्म शरीर बना है या नहीं, फिर स्थूल शरीर बना। उत्पत्ति क्रम से तो अंत वाला है ये, है ना। ये जो वैश्वानर है समष्टि में, ये वृष्टि में जो विश्व है, क्या है ये? अंतिम कार्य है, प्रथम नहीं है ये। ये जो प्राथमिक कहा जा रहा है विलय करने का, अ को ऊ मिले, ऊ को म मिले, बताया ना। अ क्या है? जागृत। उसका लय किसमें करना है? ऊ में। ऊ का लय म में। उस दृष्टिकोण से लय की प्रक्रिया से सबसे पहला कौन है? जागृत। यहां आप सारे इंद्रियों को पहले कर लेंगे, विलय करेंगे, फिर इस चार इंद्रियों को लय से विशिष्ट स्वप्राभिमानी तेजस में लय करेंगे, फिर उसको प्राज्ञ का अभिमानी में कर देंगे, सुषुप्ति का मैंने प्राज्ञ में, क्रम से उस तरह से जाएगा, फिर तुरीय। इसलिए इनका कहना है कि भाई देखो, वो यहां जो प्राथमिकता ये लय क्रम से, विलापन अपेक्षा प्राथमिक न सृष्टि अपेक्षा इत्यर्थ आनंदगिरी। और एक तीसरी व्युत्पत्ति भी कर रहे हैं, देखिए यहां टिप्पणकार, सर्वकारणत्वात् विश्वेषाम अयम नरः इति षष्ठी समास सर्वेश्वरत्वात् विश्वेषाम अयम नरः इति वैश्वानर। एक पक्ष तो ये हो गया जो भाष्यकार ने भी बताया है, और दूसरा विश्वे नरः नियम्यः अस्य इति बहुव्रीहि समास, ये भाष्यकार ने बताया। भाष्यकार ने षष्ठी तत्व समास बताए हैं और क्रमधार इस पक्ष विश्वस्य सौ नरश्च। अब उसमें कहते हैं कि बहुव्रीहि पक्ष भी हो सकती है, सर्व प्रत्यक्षत्वात् विश्व ही सर्व ही प्राणिभिर् प्रत्यगात्मत्य प्रविभज्य नियते व्यवह्रियते इति नैतर डरन प्रत्यय करके इति उपद समासो वा त्रिषु अपि एतेषु पक्षेषु प्रज्ञादिभिश्चेति स्वार्थे अण इत्यपि द्रष्टव्यम्। नरे संज्ञाया में सूत्र से पूर्व पद को दैर्घ्यंच, इस तरह से तीन हो सकता है समास, षष्ठी तत्व समास अथवा बहुव्रीहि समास अथवा कर्मधारय समास, दोनों में अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। पहले वाला अर्थ होता है सर्वेश्वर हो गया, दूसरे वाला सर्वप्रत्यक्ष है, और तीसरे का अर्थ हो जाता है सभी को प्रत्यगात रूपेण विभक्त होकर के नयन करने वाला होने से वैश्वानर। कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मन से चतुष्पात्वे प्रकृते द्युलोकादिनां मूर्धाद्यंगत्वम् इति नैष दोषः। अरे प्रश्न उठता है अध्यात्म और अधिदैव भेद को लेकर के, जो आपने पहले कहा सप्तांग है, एकोन विंशति मुख है, ये कहा था ना, यानी सात अंग इस वृष्टि में कैसे घटेगा, क्योंकि आपने कहा त्यूलोक सिर है उसका, सूर्य अंग है, और यहाँ कैसे घटेगा सब, ये प्रश्न पूछ रहा है। खत्म अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यगात्मन से चुष्पत्वे, आरंभ तो आपने किया अयम आत्मा ब्रह्म, आप वृष्टि आत्मा को संकेत कर रहे, अयम आत्मा से किसको लिया आपने, ये जो वृष्टि प्रत्यगात्मा को लिया, और इस प्रत्यगात्मा का द्यूलोक आदि कैसे हो जाएगा सप्तांग, उसका तो यही है खोपड़ी, ये आंग दिख रहे हैं, नाक दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, सब यही दिख रहे हैं, यहां तो कहीं सूर्य नहीं, लोक नहीं, कुछ नहीं। इसे पूर्व पक्षी पूछता है अज्ञात और दैविक भेद को लेकर के, जो आपने पहले कहा था उसको न समझने वाला पूर्व पक्षी, वहां था अध्यात्म और अधिदैविक भेद से, क्योंकि यहां का सिर आपका अध्यात्म में क्या है, सिर है, जो वो अधिदेव में द्युलोक है कह दिया, विराट पुरुष का सिर क्या है, द्युलोक है, और विश्व नामक पुरुष का सिर क्या है, ये जो सिर है जाक। ऐसे समझने न समझ करके पूछ रहा व्यक्ति पूर्व पक्ष कहता है, जब आपने अयम आत्मा ब्रह्म यह जो जिस प्रत्यगात्मनो अस्य, इस प्रत्येगात्मा को आप व्याख्या कर रहे हैं चतुष्पात्य प्रकृत है
चतुष्पाद रूपेण आपने प्रकट किया है, द्युलोकादिन मूर्धादि अंगत्वम, ऐसी स्थिति में द्युलोकादि अंग को मूर्धादि अंगत्व कथन करना कैसे हो सकता है? कथम भवित मरदी इति चेत नैष दोष, ऐसा नहीं दोष देना। वास्तव प्रकृति तो ब्रह्म है ना, प्रकृति क्या दिया, सर्वविदम ओंकार सर्वविदम ब्रह्म को दिया है। पहला मंत्र और दूसरे मंत्र में अभिधान के साथ अभेद और अभिधेय ब्रह्म के साथ अभेद कहा है ना। अरे प्रकृति प्रत्येगात्मा नहीं है, प्रकृति कौन है? ओम अभिन्न ब्रह्म या ब्रह्म अभिन्न ओम, अभिधान अभिधेय का अभेद कर दिया। तद अभिन्नस्य तद अभिन्नाभिन्नत्व इस न्याय के द्वारा जो है आपने कह दिया है। यानी इसलिए शंका हुआ कि उस न्याय के आधार पर जो है ब्रह्म ही प्रकृति है ना, सर्वरूपी उपाधि उनसे अभिन्न कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म से अभिन्न कौन है? ओम, क्योंकि संपूर्ण जो चीज है ओम से अभिन्न है और ब्रह्म से भी अभिन्न है। अतः ओम और ब्रह्म क्या होगा? अभिन्न होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर ओम से अभिन्न है सर्वम और ब्रह्म से भी अभिन्न है सर्वम, अर्थात सर्वम जिससे अभिन्न होगा ओम से और वही सर्वम जिस ब्रह्म से अभिन्न है निश्चित रूप में वह सर्वम व ब्रह्म से अभिन्न ओम से भी अभिन्न है। अतः ब्रह्म और ओम अभिन्न है, तद अभिन्न से तद अभिन्नत्व तद भिन्न अभिन्नत्व न्याय के आधार पर है ना। अतः प्रकृति कौन है? ब्रह्म है, प्रत्येगात्मा नहीं, इसलिए कोई दोष नहीं होता, नैष दोष। ब्रह्मणि प्रकृते तस्य परोक्षत्वे शंकिते तन्निरासार्थं ब्रह्म अयम् आत्मा इति प्रत्यगात्मनं प्रकृत्या स्वयं आत्मा चुष्प इति चुष्पात्वे, क्योंकि प्रकृति कौन था? ब्रह्म। इन वह प्रकृति ब्रह्म में परोक्षत्व की जो आशंका है कि लोग यही तो कहेंगे मुझे तो मेरा अपना स्वरूप तो अनुभव है मैं हूं करके, लेकिन मुझे ब्रह्म तो अनुभव नहीं आ रहा है। ऐसे ही कोई कहे ब्रह्म तो परोक्ष है अपरोक्ष नहीं है, मैं अपने आप प्रत्येगात्मा ये अपरोक्ष है, ब्रह्म परोक्ष है, ऐसे कहने वालों के लिए उपदेश थी अयम आत्मा ब्रह्म। भाई जिसको तुम प्रत्यक्ष कह रहे हो अपरोक्ष कह रहे हो और जिसको तुम परोक्ष कह रहे हो वास्तव में वो परोक्ष नहीं है, जिसे तुम परोक्ष कह रहे हो वह यही आत्मा है जिसको तुम अपरोक्ष कह रहे हो। इतर से आभेद करके ब्रह्म में परोक्षत्व को निराश करने के लिए उपदेश दाये यहां अयम आत्मा ब्रह्म। परोक्षत्व शंकिते तन निराशार्थम ब्रह्म अयम आत्मा इति प्रत्यगात्मन प्रकृति, इस तरह से इस ब्रह्म को इस अयम आत्मा के साथ आभेद करके प्रत्यगात्मा का भी प्रकरण आरंभ करके स्वयं आत्मा जिसमा जो कहा चुष्मात्व तस्य प्रक्रांति द्विलोकादिनाम मूर्धादिंगत सिद्ध्यर्थम, और ऐसे वस्तु का प्रकृत उस ब्रह्म में द्युलोकादियों को मूर्धादि रूपेण अंगत्व सिद्धि के लिए जो कहा गया वायुक्त है प्रकरण विरोधात, ऐसे ही कोई पूर्व पक्षी कहता है तो कहते ऐसे शंका मत करो। अध्यात्म दैव और भेदाभाव, ये वास्तव में व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं, जो कुछ तुम समष्टि में देख रहे हो वही दूसरे प्रकार से इस व्यष्टि में भी है, अंतर नहीं है। इस बात को मन में रखे प्रकृति विरोधो अस्ति इति नास्ति इति परिहरति न प्रकृति विरोधो अस्ति इति नैष दोषः। सर्वस्य प्रपंचस्य साध दैविकस्य अनेन आत्मना चुष्पात्वस्य वक्षत्वात्, क्योंकि संपूर्ण प्रपंच ही साध दैविक आदि दैवादि से युक्त करके ही इस रूप से चुष्पाद रूपेण यहाँ कथन करना इष्ट है। अनेन आत्मना का मतलब क्या है? विराट आत्मना, विराज आत्मना। आध्यात्मिकस्य आदिदैविक सहितस्य प्रपंचस्य सर्वस्यैव स्थूलस्य पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकस्य अनेन आत्मना विराजा प्रसोपादत्तम्, अनेन आत्मने विराट रूपेण इत्यर्थ। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिकस्य आदिदैविकेन सहितस्य, आध्यात्मिक कैसा है? आदि दैविक के सहित है। ऐसे जो प्रपंच
माने वो सर्वस्व स्थूल से संपूर्ण स्थूल प्रपंच को लेना, संपूर्ण स्थूल प्रपंच क्या क्या लेना, उसमें भी पंचीकृत मांच महाभूत और उनका यह कार्यभूत संपूर्ण जगत। आदिनात्मना मैंने अनिनात्मन विरजा विराजा विराट रूप से प्रथोपादत्तम कर दिया गया, और फिर उसी का तसेव सूक्ष्म से पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्य आत्मनो हिरण्य गर्भ आत्मना द्वितीय पादत्तम। वही जब सूक्ष्म ले लो, वह सूक्ष्म क्या है, अपंचीकृत पंच महाभूत है, और अपंचीकृत महाभूतों का कार्य क्या है, पंच ज्ञान इंद्रिया पंच प्राण अंतकरण चतुष्टय, ये सारी चीजों को हमने कह दिया अपंचीकृत पंच महाभूत और उनके कार्य, क्योंकि इनके सत्वांश का कार्य क्या है, ज्ञान इंद्रिया प्रत्येक अलग अलग, उनका मिला हुआ सत्वांश कार्य क्या है, मन। इस तरह रजोगुण का प्रत्येक कार्य क्या है, रजोगुण से कर्मेंद्रिया, और तमांश का कार्य क्या हो जाता है, पंचीकरण हो जाएगा, पंच महाभूत बन जाएगा तमांश से। अब पंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश रजोंश और तमोंश, सत्वांश का कार्य ज्ञानेन्द्रिया प्रत्येक का और मिली का सारा अंतकरण ले लेते हैं साधारण कारण में कार्य रूपेण सत्व का ही, और कहीं कहीं प्रक्रिया ग्रंथों में थोड़ा भेद करते हुए कह दिया है रजगुण का कार्य ले लिया मन समझ सब मिली करके, और सत्वगुण का कार्य ले लिया बुद्धि, ऐसा अंतर कर दिया। सत्वगुण का सामान्य कार्य क्या है, बुद्धि, और रजगुण का सामान्य कार्य मन, ऐसा ले लेते हैं। और प्रत्येक का तो है ही पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, तो पंच कर्मेंद्रियां ले लेते हैं। इन वास्तविक में जो भाष्यकार ने जिन लोग अधिकतर सब जगह भाष्यकार के अपना जो हिसाब किताब है वो अलग है, वो स्पष्ट कर देते हैं, वो तो कहते सत्वगुण का कार्य होना चाहिए सकल ज्ञान का साधन, इसे रजगुण के अंतर्गत नहीं लेना बुद्धि मन किसी चीज को भी, उल्टा पलटा नहीं करना, नहीं लोग करते जैसे, वो कहते हैं प्रत्येक कार्य पंच ज्ञान इंद्रिया, और सत्व का साधन करके संपूर्ण अंतकरण, और रजगुण का प्रत्येक कार्य पंचकर्मेंद्रिया, उनका सामान्य कार्य प्राण, और प्राण उपाधि में से पांच होता है, भूतों का कार्य नहीं है वो, भूत पंच अपंचकृत महाभूत के रजगुण का साधारण कार्य क्या है प्राण, ये शंकराचार्य की सिद्धांत प्रतिपादन किए हुए। और तमांश का तो हमेशा ही उन्होंने कह दिया पंचीकरण होकर स्थूल भूतों की उत्पत्ति द्वारा भौतिक सृष्टि, ये मुख्य वेदांत पक्ष है। पहले हमने अन्य अन्य मत बता दिया, और मुख्य शंकर मत ये है सत्वांश का प्रत्येक का पंच ज्ञान इंद्रिया, सत्वांश के साधारण कारण कार्य जो है अंतःकरण, रजोंश का प्रत्येक का कार्य हो गया पंच कर्म इंद्रिया, और रजोंश का सामान्य कार्य है प्राण, जो उपाधि भेद से फिर पांच हो जाते हैं, और तमोंश का कार्य पंचीकरण पूर्वक पंच महाभूत उत्पत्ति पंचकृत पंच महाभूत और स्थूल सृष्टि, इसे तसे से कार्य रूपता त्यक्त्वा अवे स्थूल सूक्ष्म कार्य को त्याग करके कारण रूपता आपन्नस्य अव्याकृत आत्मना तृतीय पात्वाम, कारण रूपता को प्राप्त किए हुए अव्याकृत रूप से ईश्वर रूप से वो तृतीय पाद हो जाता है। और फिर कार्य का अनुभव दोनों से हट गया तो तसीयुत कार्य कारण रूपदान विहाय, कार्य कारण रूप दोनों को त्याग करके सर्व कल्प अधिष्ठानतया सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान रूपेण स्थितस्य सत्य ज्ञान आनंद आनंदात्मना चतुर्थ पादत्तम, सत्य ज्ञान अनंत और आनंद रूप से कही गई है वही चौथा पाद है, समझाओ। तदेवं अध्यात्म अधिदेवयोर अभेदम आदाय, इस प्रकार से अध्यात्म अधिदेवों का अभेद को लेकर के उक्तेन प्रकार चतुष्पाद से वक्तुम इष्टत्वात्, उक्त प्रकार चतुष्पाद कहना इष्ट है, इसलिए कोई दोष यहाँ नहीं आता है। एवं च सती सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि, जब यह निष्कर्ष निकल गया तो भाष्यकार के सिद्धांत वापस लौट के आके बोलते हैं इसे यह हमारा निर्णय है सर्व प्रपंच को उपशम होने पर अद्वैत की सिद्धि होती है। उक्त न्यायेन
एवंच सति का मतलब तत्व साक्षात्कार होने पर संग्रहित है सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म स्थावरान्तेषु आत्मा एको अद्वितीय दृष्ट स्यात्। सकल भूतों में मैंने ब्रह्मा से स्थावर पर सकलों में क्या है, एक में अद्वितीय आत्मा है समझो। अनुग्री तीसरी पंक्ति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ तत्र ब्रह्म चैतन्य से प्रत्यक्त्वेन अवस्थान अभिगमात सर्वत्र जग जग श्रुतियों में यही दिखाया है सर्वव्यापक ब्रह्म ही प्रत्येक रूपेण प्रतिबिंबात्मक रूपेण आभास रूपेणी अवच्छेदवाद के अनुसार जो स्थित है समझो। तानी जो सर्वाणी प्रातिभाषिकानि भूतानि है ये मुख्य बात है। इसे जितने भी जीव हम देख रहे हैं एक के सब क्या है प्रातिभाषिक है, वास्तव में है नहीं। झूठे अहंकार कर रहा मैं कर सब स्वापर पदार्थ के समान ये सब स्वप्न है। कल्पिता ने दृष्टा ने सी हो कल्पित होकर वादी करें केवल तदाच पूर्णत्व आत्मनो भूतांतरांच तदतिरेकेण सत्ता स्पूर्ण विरहितत्व सिद्धति। इसलिए आत्मा में पूर्णत्व है और इससे भिन्न भूतों में भूतांतरांच तदतिरेकेण सत्ता स्पूर्ण विरहितत्व भवति सत्ता स्पूर्ण रहितत्व से माना जाएगा। इसे मनुस्मृतिकार 12वां अध्याय 91वें श्लोक में कह रहे देखो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मया जीवै स्वराज्यम अधिगच्छति। सर्वभूतस्थम आत्मानम सकल भूत में स्थित अपने आप को और सकल भूतों के अपने आप में आत्मा में पहले भूतों में आत्मा को देखना फिर अपनी आत्मा में सकल भूतों को देखता है। जैसे जागृत काल में आप करते क्या है सभी में आत्मा है ये भी जीव वो भी जीव समझ रहे हैं और स्वप्न में क्या करते हैं अपने में सकल भूतों को कल्पना कर सारे भूत आप में ही तो कल्पित है वहां जो भी है सकल भूत आप में है। तो इसलिए जैसा स्वप्न में सकल भूत मुझ में थे उसे जागृत के भी सकल भूत मुझ में ही है ये निर्णय वेदान की प्रक्रिया है। अजातवाद में यही कठिनाई होती है। स्वप्न में जिस प्रकार से सारे भूत तुझ में है उसी प्रकार से जागृत के भी सकल भूत तुझ में ही है कल्पना है ऐसे दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तब ऐसा अनुभव करते व्यक्ति को निश्चय हो जाता है ये सब प्रातिभाषिक है। जैसे अधिष्ठान श्रुति में रजत था जैसे अधिष्ठान था जो है रस्सी में शाम था सर अधिष्ठान तो मुझ में सूक्ष्म स्थूल जगत तो परिकल्पित है। जब कल्पना हमें कहना तो उत्पन्न ही नहीं है अजातवा सिद्ध हो गया। सर्वभूतस्थ आत्मा एको दृष्टस्या भाष्यकार कहते हैं सकल भूतों में स्थित आत्मा एक ही अनुभव में आता है सर्वभूतानि च आत्मनि और सकल भूतों को अपनी आत्मा में अनुभव करता है। इसी को लेकर ईश्वर प्रसन्न का स्तु सर्वाणि भूतानि नहीं छठा मंत्री शिवास्य परिषद इत्यादि श्रुत्यर्था उपसंग्रहित एवं इत्यादि श्रुति के अर्थ को मान लो एक तरह से यहाँ संग्रह कर लिया गया है। उपसंहार का अर्थ ही उपसंग्रहित मैंने यहाँ संग्रह कर लिया उस पदार्थ को आत्मा में प्रति प्रातीतिकानी प्रातिभाषिकानी ऐसे समझना है अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्येगात्मा सांख्यात विरुद्ध दृष्ट से नहीं फिर आप भी सांख्यवादी हो जाओगे। सांख्यवादी क्या बोलता है प्रत्येक शरीर में दिखने वाला आत्मा अलग अलग है इसलिए अनंत आत्मा है अनंत पुरुष है फिर आप वेदांत में और सांख्य मंत्र क्या रहेगा। इसे अन्यथा यदि आप सकल भूतों में एक आत्मा और सारे भूत वास्तव में उसी आत्मा में कल्पित है जब तक नहीं मानेंगे यदि नहीं मानोगे तो अन्यथा क्या होगा स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्येगात्मा सांख्यादि विरिव दृष्ट सियात अपने अपने देश परिच्छिन्न स्थल क्षेत्र में ही प्रत्येगात्मा को मानोगे तो सांख्यादि पक्ष को आप ग्रहण कर लिए यह आपत्ति हो जाएगी। तथा च सती अद्वैत में श्रुतिकृत विशेष न सर तो श्रुति का एकमेव अद्वितीय वो सारी श्रुतियां जन खंडित हो जाएंगे श्रुतिकृत विशेषो न स्यात्।
सांख्यादि नाम द्वैत विषय दर्शन इष्टम, सांख्यादियों को द्वैत दर्शन ही इष्ट है। वही आप भी कह देंगे फिर तो परिषदों में भी अद्वैत का आ गया, ये समस्या हो जाएगी ना। यदि सांख्य किसान आप मान लेंगे तो परिषद में कहा अद्वैत वेदांत हो गया, द्वैत आ गया उसमें। वही नीचे कह रहे सांख्यादि नाम द्वैत विषय दर्शन इष्टम आंतरिक तेना त्वदीय दर्शन से अद्वैत विषय से विशेषाभाव, आपका जो दर्शन है अद्वैत विषय का वह अंतर नहीं रह जाएगा। अद्वैत अंतत्वश्रुति सिद्ध विशेष तत्पक्ष न सिद्धित, इसलिए अद्वैत ही वास्तविक तत्व है, ये श्रुति सिद्ध जो विशेष है वह आपके पक्ष में घटेगा नहीं। अतः श्रुति विरोधो भेदवाद प्रसिद्ध, तो इस श्रुति के साथ विरोध हो जाए यदि भेदवाद प्रसक्त हो जाएगा। इसे व्यवस्था फिर क्या देना है हमें, ये जो दिखाई दे रहा है भेद फिर इसको क्या कैसे व्यवस्था करें इसकी, कहते व्यवस्था तो औपाधिक भेद मत करती है सुस्ता भविष्य। औपाधिक भेद उपाधियां अनंत है, इसलिए आपको लगता है प्रत्येगात्मा भी अनंत है, वास्तव में प्रत्येगात्मा अनंत नहीं है। ऐसा अनेक घड़ा है, अनेक घड़े में जल है और अनेक सूर्य इसमें दिखाई दे रहे हैं, उन घड़ों के कारण से जल में भेद आ गया, जल भेद के कारण से आपको सूर्य में भेद दिखने लग गया, इसे शरीर भेद को लेकर के बुद्धि में भेद आ गया, और बुद्धि में पड़ा अप्रतिम चैतन्य में भी आपने भेद मान लिया। शरीर ही घड़ा है, इसमें जल बुद्धि है, जिसमें प्रतिम किसका पड़ा आत्मा का, और प्रतिबिंबों के कारण से अनेक प्रतिबिंब के कारण से हमने आत्मा में आरोप कर दिया आत्मा अनेक है। जैसे कोई आरोप लगाए थे सूर्य अनेक है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन विशेषा की व्याख्या हो गई। कोई कह सकता है महाराज भेदभाव मानने पर भी अद्वैत श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा, हम भेद है ना मानते हैं ना, भेदाभेद विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत विशिष्टाद्वैत ये सब क्या है, ये लोग कहते अद्वैत का रहते भी हम सब भेद घुसा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, भेद सहिष्णु अभेद है वो, इत्यादि मानने वालों के लिए कहते नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षा से क्या है, ध्यानार्थम उपासना के लिए कहते अन्नम ब्रह्म इति विजानात, प्राणम ब्रह्म इति विजानात, वैसे यहां पर समझना चाहिए। सर्वोपनिषदां सर्वात्मक प्रतिपादकत्वा मूल भाष्कर का, तो इसलिए इनमें देखो ऐसा नहीं हो सकता, भेद श्रेष्ठ भेद भेदा भेद विशिष्टा भेद ये सब दुनिया भर व्यवस्था हम अद्वैत को इन प्रकार का नहीं मानी जा सकती, अद्वैत तो अद्वैत है उसमें अनेक प्रकार नहीं हो सकता। इस सकल उपनिषदों के में उपदिष्ट क्या है, सर्वात्मक की प्रतिपादकत्व इष्ट है, सकल उपाधियों में आत्मा की ऐक्यता का प्रतिपादन करना ही इष्ट है। ये मांडुक्य के सातवें मंत्र में आएगा स्पष्ट, छांदोग्य में एकमेव अद्वितीयम सदैव समेकम राशि आसीत एकमेव अद्वितीयम छेद एक छांदोग्य में आया, इस प्रकार से अद्वैत ही सकल उपनिषदों में आपको मिलेगा। अतः युक्तमेव अस्य आध्यात्मिक पिंडात्मनो द्युलोकादि अंगत्वेन विराडात्मना आदिदेविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्वचनम्, इसे यह बात युक्त ही है आध्यात्मिक का, जो कैसा आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो, जो पिंड व्यष्टि पिंड है इसका भी अंग क्या है, द्युलोकादियों को इस अंग कह देना, कैसे कह दे वो भी विराडात्मना आदिदेव के एकत्वम अभिप्रेत्य, ये सिर ही द्योलोक है, ऐसे उपासना कर सकते हैं क्या दिक्कत है, ये सिर क्या है द्योलोक है, यहां क्या है सूर्य है, ये सातों अंगों जो बताए गए हैं ये आप द्योलोक आदि अंगों यहां भी कल्पना कर सकते हैं उस विराट के साथ जो आदिदेविक है, उसको इस अध्यात्म के साथ अभेद करता हुआ एकत्व का अभिप्राय से सप्तांगत्व वचन कहा गया है। इसलिए चांदोग्य उपनिषद में
क्या आया उसी वैश्वान विद्या में कहता है एक एक अंग का उपासना करने वालों को, ए तुम उस अंग की जो उपासना कर रहे हो मेरे पास नहीं आया होता, जिसकी तुम अंग का उपासना अंग तुम्हारा कट के गिर जाता। पहले वाले ने कहा मैं तो सूर्य की उपासना करता हूं, ये सूर्य ही वैश्वान है। अरे भाई आम की थोड़ी पूरा शरीर है, आपका शरीर क्या है? केवल आम तो आपका शरीर नहीं है, केवल एक खोपड़ा शरीर नहीं है, केवल होंठ शरीर नहीं है, केवल मुख शरीर नहीं है, एक एक अंग को शरीर मान लेना ये दोष है। एक अंग में शरीरित्व का, शरीर का अवयवित्व का आरोप कर दिया, ये अपराध है। इस अपराध की वजह से वह अंग जिसको तुम अवयवी मान बैठे हो गलती से, वही अंग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा बार 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 कहा है, मूर्धा ते व्यपदिश्य छांदोग्य 5-12-2 इत्यादि लिंग दर्शनाच इत्यादि हेतु भी दिखाया गया है। द्यूलोक कोई सिर माना और वही वैश्वानर है ऐसे पूजा करने लगा, चिंतन मनन अभ्यास करने लगा, ऐसे व्यक्ति को कदे तू मेरे पास नहीं आया होता। तो नीचे मंत्र दिया है दिवादित्य अधिकम वैश्वानर आवयम वैश्वानर बुद्धिया तो दिन के अभिमानी आदित्यादि को और द्युलोक, दिवा माने द्युलोक, आदित्य मैं सूर्य, वहां पर पूरे 6 अंक गिनती किया ना शुरू में, व्यायतन विचार आपका पूरे 6 गिना था ना, तो पूरे 6 को लेना है यहां पर भी। इसलिए कहते हैं दिवादित्यादिकम वैश्वान अवयवम, जो कि वैश्वान के अवयव है, उन अवयवों में वैश्वान बुद्धिया ध्यान कर दिया, अवयवी बुद्धि से ध्यान कर दिया। तो जिज्ञासया पुनराखंड पक्ष उपगत और जिज्ञासा के द्वारा उन्होंने जब पूछा वो संपूर्ण कोई अवयव का बोध करा दिया था राष्ट्रपति के राजा ने वहां। तब उसने कहा यदि मेरे पास नहीं आया होता मंत्र देव मूर्धा ते उपदिश्यत यन्मां नागमिष्ये, ये तुम हमारे पास नहीं आए होते तुम्हारा खोपड़ी कट गिर गया होता, अंधो अभिविश्य यन्मां इत्यादि तुम अंधे हो गए होते, यदि तुम सूर्य कोई केवल वैश्वान मानते तो तुम्हारा बस्ती फूट गया होता, फट गया होता, तुम्हारे दोनों पैर विकलांग हो गए होते, तो मेरे पास नहीं आता हो तो। ऐसे हर पर्याय में कहा उसने, केवल खोपड़ी को द्युलोक को उस वैश्वानर के रूपी जो सिर है उस सिर को भ्रम से क्या समझा वो, ये वैश्वानर है समझ लिया और उपासना किया, अथवा आंख का अभिमान सूर्य, सूर्य को ही वैश्वानर समझ लिया, तो धड़ आकाश है ना, आकाश को ही वैश्वानर मान लिया, या वायु, वायु को ही वैश्वानर मान लिया, या जल समुद्र उसको मान लिया, तो पृथ्वी प्रतिष्ठा पैर जल से बस स्थान जिससे यूनिट ब्लड बदन जिससे पेशाब करता है तो वो फट जाएगा तुम्हारा, ऐसा बोल दिया उसने, पैर तुम्हारे दोनों खत्म हो जाएंगे, ये तो पृथ्वी को वैश्वान समझे उपासना करते रहोगे तो। बल्कि सब मिला करके पूरा वो वैश्वान है, केवल द्युलोक नहीं केवल सूर्य नहीं, हर चीज जितनी बताए पूरा 6 अंग मिला करके, और 7वां कौन था आहोनिया मुखम, तो संपूर्ण को मिला करके तुम को उपासना करोगे तब तुम्हारे सारे अंग भी ठीक होंगे, फल भी बढ़िया मिलेगा, ये वहां पर कहा था। इससे ज्ञापन हो जाता है या एकत्व इष्ट है, आदि दैविक का आध्यात्मिक के साथ में एकत्व इष्ट है। विराज एकत्व उपलक्षणार्थम हिरण्य गर्भ अव्याकृतात्मनो हो, इन विराट का इस स्थूल के साथ जो एकता है वो उपलक्षण के लिए था। किसका उपलक्षण करता है? हिरण्य गर्भ का भी एकत्व के लिए, अव्याकृत का भी एकत्व के लिए। श्रुति ने साफ साफ विराट को विश्व के साथ एकत्व कथन कर दिया है, जो
वह हिरण्य गर्भ का भी तेजस के साथ और अंतर्यामी का अव्याकृत के साथ भी आपने जो है जो अव्याकृतोपहित है प्राज्ञ के साथ में उसका ये नहीं हिरण्य गर्भ जो है उसका तेजस के साथ कर दो और अंतर्यामिनश्च अंतर्यामी को भी तेजस के साथ कर देना है और जो अव्याकृत उपहित ईश्वर है उसको प्राज्ञ के साथ इसको ज्ञापन करने के लिए हम संकेत मात्र से एक मंत्र से विराट को हमने विश्व के साथ अभेद कर दिया है स्थूल स्तर पर। सूक्ष्म स्तर पर क्या करेंगे आदिदेविक में हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी उसका अभेद होगा यहां वृष्टि अध्यात्म में तेजस के साथ। इसी प्रकार से स्थूल सूक्ष्म दोनों कार्य छोड़ के कारण भाव में पहुंचूंगा तो आदिदेवी में कारण भाव में क्या है वहां ईश्वर है अव्याकृतोपित माया उपहित ईश्वर माया वचन चैतन्य और यह वृष्टि में प्राग्ञ कार्यता अविद्यावचन चैतन्य अविद्योपहित चैतन्य यानी उधर अव्याकृत माया शब्दों से कहा जाता और यहां अविद्या उनका भेद कर देना है और अंत में तुरी आ जाता है जो आप ही हैं वो वहां भेद करने की जरूरत नहीं किसका किसके साथ। उक्तंच एतत् मधु ब्राह्मण और यह बात मधु ब्राह्मण में स्पष्ट करके दिखा दिया है बृहदारण्यकोपनिषद 2:5:1 यश्चयम् अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्म इत्यादि। देखो वह यह जो इस पृथ्वी में विद्यमान इस पृथ्वी का सूक्ष्म अभिमानी कौन तेजोमयो अमृतमय पुरुष यश्च अयम अध्यात्म और जो इस अध्यात्म में है तेजोमयो अमृतमय पुरुष दोनों एक है एक दिया अयम एव स हर पर्याय में कहा वहां पर अयमेव स अनेक पर्याय में है वहां सुषुप्त अव्याकृत एकत्व सिद्धमेव निर्विशेषत्वा और सुषुप्त का अभिमानिया प्राज्ञ और वहां सुषुप्त अभिमानी अव्याकृत ईश्वर उन दोनों का एकत्व तो अनायास ही सिद्ध है क्यों निर्विशेषत्वा क्योंकि वहां कोई विशेष अंतर ही नहीं है स्थूल और सूक्ष्म सृष्टियों में अंतर है कारण भाव में कोई अंतर नहीं है। एवं च सति एत सिद्धं भविष्यति सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतमिति जब यह निश्चय हो गया तो यह बात सिद्ध हो गया कि भाई सकल द्वैत का उपशम होने पर निश्चित रूपेण अद्वैत स्वरूपानुभूति होगी कोई सुषुप्त का अंतर का में कोई विशेष अंतर नहीं है ये बता रहे थे आनंदगिरि में प्राज्ञों में क्या होता है सर्वम विशेष उपसंहृत्य निर्विशेष सुषुप्त वर्तते सकल विशेष क्या था जागृत स्वप्न उन सकल विशेषों को उपसंहार करके निर्विशेष भाव से सो जाते हैं प्रलय दशायाम अव्याकृतंच और यही हाल प्रलय दशा में क्या है स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि सब स्वाहा हो गया और अव्याकृत निर्विशेष निशेष विशेषम स्वात्म उपसंहृत्य अव्याकृत क्या करता है निशेष विशेषम सकल विशेषों का रहित होकर के अपने आप पे उपसंहार करके निर्विशेष रूप में तिष्ठति निर्विशेष रूप से रहता है। तेन उक्तम साधर्म्यम प्रलय दशायाम अव्याकृतंच निशेष इसलिए यह साधन तक कह दिया पुरदायत्यम अभ्युद्धमिति सुषुप्ति और यहाँ सुषुप्त ने प्राज्ञ और उधर जो है अव्याकृत में जो अभेद है एकत्व है उसमें तो कोई संशय नहीं होता है तो दोनों का स्वरूप एक ही है। यहाँ अंतर है ना समष्टि का खोपड़ी पूरा द्योलोक और यहाँ खोपड़ी इतनी छोटी सी हाथ पकड़ में आ जाएगा नारियल जैसे पकड़ लो यानी कितना अंतर है वो कहाँ समष्टि कितना विराट है विशाल ये छोटा सा यह अंक तो छोटे छोटे सूर्य देव की तरह भयंकर है उसके अंक तो स्थूल सृष्टि में तो बहुत फर्क है इसे उनके एकता हमें प्रतिपादन करना पड़े उपासना आदि की सिद्धि के लिए भी यानी यहां तो कोई अंतर ही नहीं है। तच्चद्वैतम प्रतिबंध ध्वंस मात्रेण न स्मृति लेकिन वाद्वैत प्रतिबंध के ध्वंस होने में स्मृत नहीं होता किंतु वाक्यादेव आचार्योपदिष्ठात् इति वक्तुं च शब्द एवं च
चका भाष्यकार ने इसे करें कि प्रतिबंधगत ध्वंस मैंने द्वैत प्रपंच क्या है सर्वद्वैत ये प्रतिबंध है इसके उपशम होने मात्र से अद्वैत अनुभूति होगी ऐसे मत समझ जड़ समाधि लग जाएगी प्रकृति लय को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए कहते हैं आचार्य से का उपदेश से प्राप्त महावाक्य ही द्वैतोपशम काल में असलियत्व स्वरूपानुभूति कराता है और कोई नहीं करा सकता।